Hello everyone, I am Divya and today I'll be reviewing the Swiss Beauty Real Makeup Base and the shade that I have is 02 Golden Tint. तो ये इस तरह से पंप में आता है एंड इसकी कंसिस्टेंसी एकदम ऐसे लोशन की तरह है, जैसे कि आप देख सकते हो ये इस तरह की कुछ कंसिस्टेंसी है इसकी और ये एकदम लोशन की तरह फील होता है एंड वैसे वाला लोशन नहीं जो स्किन में इजीली अब्जॉर्ब जाता है, ये वैसा थिक लोशन की तरह काम करता है जो स्किन में इजीली अब्जॉर्ब नहीं होता है. इट सिट्स ऑन टॉप ऑफ द स्किन एंड काफी ग्रीसी फील होता है. तो अब मैंने इसे स्किन में अच्छे से ब्लेंड कर लिया है एंड नाउ यू कैन सी, क्योंकि ये इतना थिक मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है इट विल नॉट वर्क फॉर ऑयली स्किन गर्ल्स आउट देयर. मेरी भी ऑयली स्किन है और मैंने जब इसे लगाया तो मुझे काफी ग्रीसी फील हो रहा था एंड ये उन मॉइस्चराइजर्स की तरह मुझे लग रहा था कि जो एक्ने को भी थोड़ा एग्रीवेट कर देते हैं और मेरी एक्ने प्रोन स्किन भी है तो इसलिए मैंने इसे ज्यादा टाइम लगा के भी नहीं रखा फेस पे. तो अगर आपकी फेस पे ऑलरेडी एक्ने है मैं तो भी आपको मना करूंगी कि आप ये प्रोडक्ट मत लेना क्योंकि इट माइट एग्रीवेट योर एक्ने. सेकेंडली मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगी कि इसमें बहुत ही फाइन शिमर पार्टिकल्स हैं एंड मैंने यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस देखी थी बट नोबडी क्लियरली मेंशन कि इसमें शिमर पार्टिकल्स हैं. इवन दो दे आर स्मॉल, बहुत बड़े पार्टिकल्स नहीं है शिमर के, लेकिन फिर भी दे आर देयर. और वो शिमर पार्टिकल्स फिर ट्रांसफर भी होने लगते हैं. तो जैसे अभी मैंने अपने हाथों से यहाँ पे ब्लेंड किया और फिर जब मैंने अपने कपड़ों पे टच कर दिए अपने हाथ तो फिर उससे मेरे कपड़ों पे भी शिमर पार्टिकल्स ट्रांसफर हो गए. तो जब आप अपने हाथों से ब्लेंड कर लोगे चाहे हाथ पे फेस पे इस बेस को, देन आप जहां भी अपने कपड़े टच करोगे या कुछ भी टच करोगे वो शिमर पार्टिकल्स वहां पे ट्रांसफर होते चले जाएंगे. ये उसी तरह है जैसे अगर हम हाइलाइटर पे अपना हाथ स्वर्ल कर लेते हैं देन फिर हम जहां भी लगाते हैं वो हाइलाइटर के पार्टिकल्स ट्रांसफर होते हैं, उसी तरह इसके भी शिमर पार्टिकल्स ट्रांसफर होते चले जाते हैं. अगर आप अपनी बेयर स्किन पे इसको लगाओगे एंड उसके ऊपर कोई भी फाउंडेशन या मेकअप नहीं लगाओगे तो ये काफी ग्रीसी दिखाई देगा एंड वो शिमर पार्टिकल्स आपको अपने फेस पे दिखाई देंगे एंड ऐसा लगेगा कि आपने पूरे के पूरे फेस पे हाइलाइटर लगा लिया है. तो अपनी बेयर स्किन पे तो इसे मत ही लगाना. अगर आप ये सोच रहे थे कि हम इसे लेके बिना फाउंडेशन के लगा लेंगे एंड सिर्फ यू नो ऐसे अपने फेस को ग्लोई बनाने के लिए लगा लेंगे तो प्लीज ये ऐसे वर्क नहीं करेगा, उस तरीके से इसे अप्लाई मत करना. सेकेंडली अगर आप इसे लगाने के बाद इसके ऊपर फाउंडेशन लगाते हो एंड फाउंडेशन की एक हल्की लेयर लगाते हो, एक थिन लेयर ऑफ फाउंडेशन लगाते हो तो भी वो शिमर पार्टिकल्स आपको थोड़े थोड़े से दिखाई देंगे फेस पे. एंड लास्टली अगर आप इसे फाउंडेशन में मिक्स करते हो, मैंने जैसे सुपर स्टे मेबेलिन सुपर स्टे में इसे मिक्स किया था, और मिक्स करने के बाद अपने फेस पे फाउंडेशन लगाते हो तो वो आपको शिमर पार्टिकल्स नहीं दिखाई देंगे, उसकी बस कंसिस्टेंसी में और ल्यूमिनोसिटी में हल्का सा फर्क आ जाता है और शिमर पार्टिकल्स नहीं दिखाई देते हैं. अब आते हैं कि किसको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए. मैं कहूंगी ऑयली स्किन वालों को तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही थिक एंड ग्रीसी है. एक्ने प्रोन स्किन वालों को भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है कि इट माइट इंक्रीज योर पिम्पल्स, इट माइट एग्रीवेट योर एक्ने. तो प्लीज एक्ने प्रोन स्किन वाले भी मत लेना. अब फाइनली आते हैं ड्राई स्किन वालों पे. ड्राई स्किन वालों को इसकी कंसिस्टेंसी तो अच्छी लग सकती है क्योंकि ये इतना मॉइस्चराइजिंग एंड थिक है, लेकिन वो जो शिमर पार्टिकल्स वाली प्रॉब्लम है वो तो ड्राई स्किन वालों के लिए भी रहेगी. तो ये सोच के ही लेना कि क्या आप उन शिमर पार्टिकल से ओके हो या नहीं. पर्सनली आई एम नॉट एट ऑल ओके विद दी शिमर पार्टिकल्स और इसलिए मैं तो ये यूज भी नहीं कर रही हूँ इतने टाइम से वाला प्राइमर, बस ये मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ है. एंड ओवरऑल आई डू नॉट लाइक दिस प्रोडक्ट एट ऑल, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया प्रोडक्ट एंड आई वुडंट रिकमेंड इट टू एनीवन आई थिंक. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज रिव्यू. अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो देन प्लीज डू लाइक इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन. बाय. लाइफ इन अ वर्ल्ड दैट कीप्स चेंजिंग, थिंक दैट इट्स प्रोग्रेस यू मेकिंग, कॉपी एंड पेस्ट प्रीटी फेसेस all the time, pictures so perfect we play